कौन गुनहगार है, अंदरूनी लोग कौन गुनहगार है, इसको सारे को ढूंढा जाएगा। बाकी नीट को लेके जो कुछ विसंगति आई तो मूल तो आई थी ग्रेस मार्क की, ये कोई विसंगति नहीं था, उसको एक प्रोसीजरियल इंटरप्रिटेशन के कारण कुछ विद्यार्थियों को मन में रोष आई, कुछों को कैसे ग्रेस मार्क मिल गया। उसके ऊपर भी फिर जब तहकीकात हुई, जब फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठी, फिर री एग्जामिनेशन की बात हो गई। पटना में गड़बड़ी की कुछ अनामोलिस की ध्यान आई, उसको बिहार पुलिस ने पकड़ भी लिया है, सही समय पकड़ा है, गिरफ्तारियां हुई है, इंक्वायरी चल रही है, सारा विषय स्पष्ट हो रहा है और एक दो दिनों में और निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएंगे। सर अभी जो बातें सामने आ रही है उसको लेकर के बहुत सारी राजनीति भी चल रही है, राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं, पर आपका ये कहना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं देश का शिक्षा मंत्री हूँ, ये आपको लगता है आश्वस्त करेगा स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को खास करके? देखिए मैं एक पेरेंट हूँ, मैं दायित्व में हूँ, प्रजातंत्र में लोगों ने हमें भरोसा किया है, मेरे प्रधानमंत्री को भरोसा किया है कि प्रजातंत्र है, मेरे को दायित्व तो लेना ही पड़ेगा। प्रजातंत्र में सिर्फ उंगली उठाने से नहीं होता है दायित्व लेने, हम लोग दायित्व लेने वाले, हमने पिछले 10 साल में अथक परिश्रम किया, आखिर इस देश में पब्लिक एग्जामिनेशन में चीटिंग का प्रिवेंशन की कानून हमने ही बनाया, हम दायित्व लेने वाले लोग हैं, हम विश्वास जनमाते हैं, हम भरोसा रखते हैं। तो इस पूरी बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।